ओसीडी डाइट प्लान में सुबह की धूप को शामिल करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी का जो डाइट प्लान होता है उसके अंदर हमें सुबह की धूप को शामिल करना क्यों जरूरी होता है और कितनी मात्रा में हमें इसे शामिल करना होगा और किस तरीके से हमें इस धूप को लेना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सुबह जब धूप निकलता है तो उसका जो पहला एक घंटा होता है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उस एक घंटे के अंदर हमें कम से कम 17 से 20 मिनट की धूप लेनी होगी। अगर हम रोज 17 से 20 मिनट की धूप लेते हैं तो उससे हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरह से एक्टिव रहता है, प्रॉपर मात्रा में वह काम करता है। अगर रोज़ हम 15 से 17 मिनट तक धूप लेते हैं तो हमें बहुत ही ऊर्जा मिलती है और हम पूरे दिन एक तरोताजा फील करते रहते हैं। अब मैं धूप लेने का तरीका आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए पूरी तरीके से आपको अपनी आंखें बंद करके ऊपर की तरफ मस्तिष्क को उठा लेना है और दोनों हाथों को हवा में लहरा देना है और सूरज की तरफ मुंह करके आपको इस तरीके का विजुलाइज करना है कि सूरज की जो किरणें हैं वो आपके मस्तिष्क के माध्यम से आपके नाभि के केंद्र तक पहुंच रही है। अगर आप इस टेक्निक को पूरे 17 मिनट नहीं कर पाते हो एक ही पोज में तो आप क्या करें, इस टेक्निक को सिर्फ 3 से 4 मिनट करें और बाकी का जो समय है उसके अंदर आप अपने आप को धूप में बैठा लें, सेट कर लें और पूरी तरह से आरामदायक शांति व स्थिरता का अनुभव करते हुए धूप को अपने अंदर लेने की कोशिश करें। अगर यह प्रक्रिया आप कंटिन्यू करते रहते हो तो आपके जो ओसीडी का जो डाइट प्लान है उसके अंदर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और इससे आपको क्या होगा, पूरे दिन तरोताजा महसूस करोगे। बहुत सारे लोग ओसीडी के अंदर शिकायत करते हैं, हम तरोताजा महसूस नहीं कर पाते, हम कटे हुए से रहते हैं, हम ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में नहीं जी रहे। इन सब शिकायतों का सॉल्यूशन यही है कि आपको रोज 15 से 17 मिनट तक धूप को लेना होगा। टेक्निक मैंने बता दिया है, अब इसको आपको अप्लाई करना होगा और जैसे ही आप इसे अप्लाई कर देते हो तो आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। इस सेशन में मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि आप अपनी ओसीडी का जो डाइट प्लान है उसके अंदर इस एक्टिविटी को जरूर शामिल करें और अपने जीवन को खुशियों से भरें, ऊर्जा से भरें। अगर आपको भी ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इंसोमेनिया है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।